बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है गोभी चिकन। उसके लिए हमने ले लिया है 500 ग्राम चिकन, एक गोभी, प्याज मीडियम साइज की करीब, चार टमाटे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच। ये हरा धनिया 1 मुट्ठी ले लिया हमने। ये मेथी 1 कटोरी, हरी मिर्ची अपने हिसाब से ले ली, हमने 4-5 ले लिया। एक पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दो फ्राइंग पैन में। ये तेल गर्म हो गया है, हमने प्याज डाल दी, अच्छे से भून लीजिए। नमक डाल लीजिए, अच्छे से भून लीजिए, नरम हो जाना प्याज। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए इसे। अब इसमें मिर्ची डाल दीजिए, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अब अच्छे से मिला दीजिए। अब इसमें चिकन डाल दीजिए, मैं आधी कटोरी पानी डाल दी थी। अब इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक्कन ढक के छोड़ दें। ये देखिए कैसे पक रहा है, ये इसमें गोभी डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कीजिए। अब गोभी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई, इसमें टमाटर डाल दीजिए, उसे भी अच्छे से भून लीजिए। गोभी के साथ हम रोटी भी तैयार कर रहे हैं। ये पका जब तक हम रोटी का आटा तैयार कर लिए, रोटी डाल लीजिए। यह हमारा आटा रेडी है, हमने रेडी करके रख लिया था सब। फिर 2 चम्मच तेल डालिए, थोड़ा सा नमक डाल के रेडी कर लीजिए। इस तरह से पेड़े बना लीजिए। ये देखिए ऐसे बेल लीजिए, ऐसा आटे को बेल लीजिए। ये देखिए स्क्वायर टेप के बना के रख लीजिए ऐसे। ये हमारे पेड़े रेडी हुए जब तक हम गोभी को देख लीजिए। ये देखिए गोभी अच्छे से पक रही है। इसमें मेथी डाल लीजिए, अच्छे से मिलाइए। ये देखिए हमारी गोभी अच्छे से पक रही है। अब
थे इसको। अब ये गोभी को मीडियम आंच पे छोड़ दीजिए। अब हम रोटी बेलना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए हमने मीडियम साइज़ का बेल लिया है। आपको कौन सा साइज़ पसंद है आप वो हिसाब से बेल लीजिए। पे रख लिया था हमने, तवा गर्म पे रख लिया था। ये देखिए, दूसरी भी ऐसी बेल लीजिए। देखिए हमारी रोटी पक रही है। ये देखिए हमने कैसे सेक रहा है, हमारी रोटी रेडी हो गई। ये देखिए हमारी गोभी रेडी हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर दी। देखिए दूसरा, ये हमारी दूसरी रोटी रेडी हो गई। ये देखिए हमारी गोभी पक्के रेडी हो गई। अब हम प्लेटिंग कर रहे हैं। ये देखिए हमारी गोभी और रोटी रेडी हो गई।